बोर्ड परीक्षा से पहले मोदी की पाठशाला में परीक्षा पर चर्चा की गई। पीएम मोदी ने बच्चों को तनाव मुक्त रहने का मंत्र दिया। भोपाल में शिक्षा मंत्री के साथ शिक्षकों और अभिभावकों ने पीएम का लाइव प्रसारण देखा। भोपाल के सुभाष स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा का 7वां संस्करण बच्चों ने देखा और सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रहने के मंत्र दिए। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने मोदी के संबोधन को वर्चुअली सुना। राव उदय प्रताप सिंह ने चर्चा करते हुए कहा कि इस बार हम जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, इससे ना तो कोई पेपर लीक होगा और ना ही किसी बच्चे को पेपर के बारे में कोई जानकारी मिल पाएगी। मेरा एक वीडियो देखा होगा आपने, पिछले दिनों मैंने जारी किया है कि बच्चों को किसी इस तरह की प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस तरह के वीडियोज ना तो उन्हें उन पर सोशल साइट पर जाना चाहिए, ना उनसे जुड़ना चाहिए। इस तरह के उनके जो जुड़ने से क्या है, उनका खुद का नुकसान भी होगा और जो आपराधिक गतिविधि जो सामने वाला कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भागीदार भी होते हैं। और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ कि ना हमारा जो सिस्टम हम इस बार लेकर आने वाले हैं, ना तो कोई पेपर लीक हो सकता है और ना बच्चों को इस तरह की कोई पेपर की जानकारी कोई पेपर जारी होने के पहले उपलब्ध करा सकता है। बच्चों को भी सजग रहना है और हमने सख्ती भी इस पर कर ली है। हम लोग अभी आगे आने वाले समय में इस साल का तो हमारा जो एजेंडा है उसको हम हर हाल में ट्रांसपेरेंट तरीके से सजगता से बच्चों तक पेपर बगैर लीक हुए पहुंचे, इस बात को सचेत होकर कर रहे हैं। लेकिन भविष्य में हम कानून बनाने भी जा रहे हैं। अभी जो कानून है उसको और सख्त करने वाले हैं कि कोई भी व्यक्ति इस तरह इसकी प्रैक्टिस में शामिल ना हो। केंद्राध्यक्ष भी उससे वंचित नहीं रह सकता। हमारा खुद का सिस्टम भी अगर कहीं से उसमें लीकेज है तो वो भी कानून के दायरे में आएगा, आपराधिक गतिविधि के दायरे में आएगा। हम एक नया कानून आगे आने वाले समय में वर्षाकालीन सत्र में हम लेकर के आएंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।